हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड यू गाइस आर सेफ। सो मैं आज के नए वीडियो में बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें हम क्या मेडिसिंस, होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे और क्या डाइट्री इंटेक होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जो खाना खाएं प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा फैटी ना हो, तला भुना ना हो, वो बहुत ड्राई ना हो। ठीक है, हम उसके साथ साथ हम जो फल लें वो जूसी हो, फाइब्रस हो, मतलब उसमें रेसेदार हो, वो पानी की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा हो। उसके साथ साथ हम पानी थोड़ा थोड़ा देर पे पीते रहें और उससे जिससे कि स्टूल हार्ड ना बने। ठीक है, उसके साथ साथ हम जितना हो सके वॉक करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं कोई लाइट थोड़ा एक्सरसाइज, आप उसे ज़रूर करें। ठीक है, उसके साथ साथ पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना हो सके खुश रहें, बाकी काम रहें, शांत रहें और उसके साथ साथ प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर रूटीन बना के रखें। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रेगनेंसी में हमें क्या करना है और क्या खाना है। और हाँ, फाइब्रस नट, मतलब कि फाइब्रस फूड के साथ साथ आप नट्स भी ले सकते हैं, बादाम हुआ, काजू हुआ, तो इनको भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लें क्योंकि ये प्रोटीनेसियस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। तो चलिए, ये हो गई हमारी डाइटरी कि क्या हम डाइट लेंगे, क्या एक्सरसाइज लेंगे। अब हम बात करते हैं क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होगी प्रेगनेंसी। सबसे पहली मेडिसिन है चिलिडोनियम। ठीक है, आप चिलिडोनियम 30 सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम दो टाइम ले सकते हैं। चार बूंद जुबान पे डायरेक्ट डालेंगे। ठीक है, दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका हम सिर्फ नाइट में लेंगे, नक्स वोमिका 30। रात में जब हम खाने के जब हम बेड टाइम, मतलब जब हम सोने जाते हैं, हम उस टाइम पे लेंगे सिर्फ, और चार बूंद जुबान पर डाल लेंगे। ठीक है, तीसरी मेडिसिन है प्लेटिना। प्लेटिना अच्छी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रेगनेंसी में, लेकिन इसके लिए आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। प्लेटिना जो एक्सट्रीम हॉटी पेशेंट हैं उनको दी जाती है, तो इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं पता है कि पर्सन क्या है, कैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्लेटिना अवॉइड करें। ठीक है, चौथी मेडिसिन है प्लम्बम मेटेलिकम। प्लम्बम मेटेलिकम जब प्लेटिना फेल हो जाती है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में, तो हम प्लम्बम मेटेलिकम देते हैं। स्टूल इनएफेक्चुअल हो रही हो, बहुत प्रॉपर नहीं हो रहा, उसके साथ साथ स्टूल बहुत हार्ड और सीपी ब्लैकिश हो और बहुत हार्ड होगा, तो वो प्लम्बम मेटेलिकम के लिए बहुत, प्लम्बम मेटेलिकम उस केस में बहुत इफेक्चुअल है। अब हम बात करते हैं सीपिया की। सीपिया मेडिसिन उन पेशेंट में देंगे जब सीपिया जो पेशेंट होगी वो बहुत मिलनकोलिक होगी, मतलब बहुत सैड, बहुत ज़्यादा और एक तरह से इंडिफरेंट, मतलब कि फैमिली से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव उसका कम हो चुका होगा, और साथ ही साथ जो स्टूल होगा वो इनफेक्चुअल तो होगा ही, और उस वो स्टूल भी सीप डंग की तरह होगा और लगे, मतलब कि वो बॉल की तरह हार्ड एनएस में फंस जा रहे हैं कि पहले और उसके काफ़ी देर बाद तक आपको एनएस साइड में पेन होता रहेगा, उसके लिए सीपिया बहुत इफेक्चुअल। प्रेगनेंसी के केस में ये सारी चीज़ों के मेडिसिन के साथ साथ हमें लीवर टॉनिक भी देना चाहिए। लीवर टॉनिक जो लीवर को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी रिलीव करता है और आपके जो भी आप डाइट इंटेक करते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत मदद करता है, तो इसलिए लीवर टॉनिक जरूर लें। और ये सारी मेडिसिन के साथ मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि कभी भी जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दें, इसलिए ये एक्यूट रेमेडीज जो कॉन्स्टिपेशन के लिए है प्रेगनेंसी में, वो मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं, एक्यूट केस के बिहाफ पे देंगे। ठीक है, और होम्योपैथिक रेमेडी जैसा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इंडिविजुअलाइजेशन पे डिपेंड है, इसलिए जब भी किसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब किसका क्या सिम्टम्स किस पर्सन में क्या निकल के आ रहे हैं, उसी बेसिस पे मेडिसिन देंगे। आप सारी मेडिसिन सारे लोगों को नहीं दे सकते, तो उस बेसिस इसलिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा कि आपको कौन सी मेडिसिन प्रॉपर लेनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपको नए एडवाइस, नए यूज़फुल टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।